झांसी के आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर में शामिल रहे योगेंद्र यादव ने कहा कि हमने जब राजस्व संवाद की शुरुआत की थी तभी से ये मकसद रहा है कि देश के किसानों को संगठित किया जाए। जय किसान आंदोलन के तहत किसानों के लिए काम करने वाले 42 संगठन हमारे साथ विलय कर चुके हैं। बुंदेलखंड के किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि हम इस मुद्दे को नेशनल लेवल पर उठाएंगे। तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद अगर कहीं सबसे खराब स्थिति है तो वो बुंदेलखंड है। यहाँ हालात बेहद खराब है, अकाल की स्थिति है। हालत सुधारने के लिए हम बड़े लेवल तक सर्वे करवाएंगे। ये सारी यात्रा जय किसान आंदोलन की तरफ से कर रहे हैं। जय किसान आंदोलन पूरे देश में किसानों को संगठित करने का एक प्रयास है, लेकिन सूखे की इस तात्कालिक स्थिति को देखते हुए हमने तय किया है कि अभी हम हर सरकार को केवल रचनात्मक सुझाव दे रहे हैं कि वो क्या कर सकती हैं। और इसी सिलसिले में हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी एक चिट्ठी लिखी थी जो सार्वजनिक है। इसी सिलसिले में हम उनसे मुलाकात भी करेंगे और सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख रहे हैं। हम इस सूखे की इस तात्कालिक परिस्थिति में केवल रचनात्मक कदमों के बारे में सोच रहे हैं और कुछ नहीं। ये सर्वे बुंदेलखंड के 200 गांव में होगा। इसके लिए समाज सेवी संगठन और किसान कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। बुंदेलखंड में हम वापस आए हैं क्योंकि हमें महसूस हुआ कि ये देश का वो इलाका है जहां सूखा अकाल में बदल सकता है। मैं अभी नहीं कहूंगा कि ऐसा हो चुका है, लेकिन इसकी आशंका है। इसलिए हम यहां पे एक बातचीत भी कर रहे हैं, एक्सपर्ट लोगों से पूछ भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के 200 से अधिक गांव में एक वैज्ञानिक अध्ययन करके भी देख रहे हैं कि सूखे का पीने के पानी पे, जानवरों के चारे पे, लोगों के भोजन पे, उनके रोजगार पे क्या असर हुआ है और इस पे क्या करने की आवश्यकता है। हम जल्द ही इसकी रपट दिवाली से पहले पहले इस अध्ययन के निष्कर्ष हम लोगों के सामने रखेंगे। देश सरकार और समाज को अपील करेंगे कि वो ऐसी स्थिति में कुछ करें। इस रिपोर्ट को सरकार के सामने रखेंगे, स्थिति सुधारने के सुझाव भी देंगे। किसानों की समस्या बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कहीं भी किसानों की बात नहीं हो रही है। यूपी में हालात इसलिए भी खराब हैं क्योंकि यहाँ योजनाएं ठीक से लागू नहीं होती। योगेंद्र यादव ने कहा कि वो एक दो दिन में ही सीएम अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ जाएंगे। उनके सामने बुंदेलखंड के किसानों की समस्याओं को रखेंगे। योगेंद्र यादव ने किसानों के लिए आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं, किसान नेताओं से बातचीत की। सातों जिलों में जितनी 28 तहसील हैं, हर 28 तहसील के 8-8 गांव में जाएंगे। तो यानी कि बुंदेलखंड की हर तहसील में हम कम से कम 8 गांव में जाएंगे। वहां वैज्ञानिक सर्वेक्षण के जरिए ये नापने की कोशिश करेंगे कि सूखे का क्या असर हुआ है और उसके निष्कर्ष को हम देश के सामने रखेंगे। परमार्थ समाज सेवी संस्था चलाने वाले संजय सिंह और बांदा की आरटीआई एक्टिविटीज आशीष सागर ने उन्हें बुंदेलखंड के हालातों के बारे में बताया। बाइट योगेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर। टीवी 24 के लिए झांसी से SS झा की रिपोर्ट।